your miracle day. प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की तारीफ़ करते हैं, खुदा की शुक्र गुज़ारी करते हैं। हमारा खुदावन ज़िंदा है, वो मोजज़ात का खुदावन है और हर रोज़ वो हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मिरेकल्स करते हैं। और आज भी खुदा की तारीफ़ करते हैं कि आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम योर मिरेकल डे, आप देख रहे हैं प्रेज़ टीवी। और जिस तरह हर रोज़ खुदावन खुदा अपने खादमीन को भेजता है ताकि वो हम उसके कलाम की बातें शेयर करें, उसके मुँह की बातें लेकर आप तक पहुँचें, तो आज भी खुदा की शुक्र गुज़ारी करते हैं उसने अपने को भेजा है। और आज इस प्रोग्राम को लेकर हम आगे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे और खुदा के खादिम पास्टर आज़म एंथनी दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा बड़ा शुक्र करते, तुझे मुबारक कहते हैं, तू जो भला है और मेहरबान है खुदावन, और बड़े खूबसूरत काम हर रोज हमारी जिंदगी में करता है। और हम जानते हैं तू खुदाए सालूस रब्बुल अफाज लश्करों का खुदा है, और हम जानते हैं आसमानी बाप हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस बहुत प्यारे वक्त के लिए। अब ऐ खुदावन, जब तूने एक टीम की सूरत में हमें इस जगह पर जमा किया है, हमें अपने रूह में बांध आए खुदा, और रूल कुदस के वसीले से हमें इस्तेमाल कर ताकि हम बहुत सी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो और तेरी हजूरी तेरा मसा हम पर ठहरा रहे, यीशु के नाम से आमीन। 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 तो खुदा की तारीफ़ करते हैं, खुदा हर रोज़ अपने खादमीन को जिस तरह मैंने कहा कि भेजता है, और आज भी उसने अपने खादमीन को भेजा है ताकि हम खुदा के कलाम की बातें करें, और हम सब मिलकर, आप भी हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। तो मेरे जीजू, आज हमारे साथ खुदा के खादम, उनका मैं तारफ़ करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू माई वंडरफुल ब्रदर, माई वंडरफुल फ्रेंड पास्टर जिम न्यूटन फ्राम ऑस्ट्रेलिया। वी वेलकम यू इन पाकिस्तान। थैंक यू सर, एंड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आस एंड नॉट फॉर ओनली मी। आई लव टू शेयर दिस, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ आस, पास्टर जिम न्यूटन विद आस हेयर इन पाकिस्तान, एंड टूडे God going to speak through him, and this is a great privilege for us. You are here at Praise TV, and this is a great opportunity for all of us. Welcome you again. Thank you, sir. और इनके साथ हमारे प्यारे भाई पास्टर आज़म एंथनी, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। खुदा आपको बरकत दे कि आज आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला है ताकि आज ना सिर्फ मैं बल्कि आज पूरी दुनिया के लोग जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। हमारे प्यारे भाई पास्टर तारिक, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। खुदा आपको ब्लेस करे, और आज आपने भी अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है। खुदा आपको बरकत दे, और सारे इस वक्त के लिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, और सारा जलाल हम खुदा यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आमीन। खुदा आपको बरकत दे, बड़ा खूबसूरत वक्त है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को लेकर आगे चलें, अब सबसे पहले तारफ़ चाहूँगा कि खुदा के खादम का, पास्टर जिम का, और आपका भी तारफ करवा दिया जाए। और आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी पर्सनल टेस्टिमनी से, और मैं चाहता हूं कि आज जिस तरह के मैं आपकी खिदमत को जानता हूं, और मुझे खुदा ने आपकी खिदमत के वसीला से बरकत दी है, आपकी गवाही को मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं ना सिर्फ आज मैं बल्कि आज नाजरीन भी आपकी गवाही को जाने। और ये जो हमारी शख्सी गवाही होती है, मैं ये मानता हूं कि बहुत लोगों को ये टच करती है, बहुत लोगों को बरकत मिलती है, और खुदा दूसरों को तब्दील करता है और इन्हें बदलने का टाइम भी मिल जाता है। रेवरेंड जिम, आई लव टू इफ यू विल शेयर योर पर्सनल testimony, how you heard the voice of God, and now you God using you around the world, not only in Australia, you are today, you are here in Pakistan, and already God using you in different countries. Please, this is a great opportunity for us if you will share your testimony, not only with me, thousands and hundreds and millions of people are listening to you and they're watching you. Please share your testimony. Thank you, sir, very much. It's a privilege to be here. Mere liye badi izzat ki baat hai ki main yahan par hoon. I was saved when I was 9 years of age. Aur khudaavand ne mujhe us waqt bachaya jab main 9 saal ka tha. And immediately I sensed the call of God on my life. Aur jaise hi khuda ne mujhe bachaya usi waqt maine khuda ke bulaave ko apni zindagi mein. And over the years God started to speak to me about being in ministry. और फिर खुदावंद ने मुझे बताया कि खुदा मेरे लिए एक मिनिस्ट्री खुदावंद के पास है। I had no idea back at the beginning this ministry would take me all over the world. और आगाज में तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये खिदमत क्या है, लेकिन फिर खुदा मुझे दूसरे मुल्कों में ले जाना शुरू किया।
I was a principal of a Bible school. मैं एक बाइबल स्कूल का प्रिंसिपल था. And then my wife and I moved to Sydney and we started and pioneered a church. और फिर मैं और मेरी बीवी सिडनी में आ गए और वहां पर हमने एक चर्च का आगाज किया. And it wasn't long after that God started to have me travel to different nations. और फिर कुछ ही देर के बाद खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं दूसरे मुल्कों में भी जाऊं. And I've been to many nations where I've had the opportunity to preach and share God's word. और खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं مختلف ملکوں میں جاؤں اور وہاں پر جا کر انجیل کی خوشخبری سناؤں. A few years ago, God started to speak to me about something very specific. اور کچھ سال پہلے خدا نے مجھ سے ایک خاص بات کہنا شروع کی. I would go to a lot of third world countries where people were being put in prison, people were being persecuted for their faith. اور مجھے بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر لوگوں کو جو ہے بہت تشدد کیا جاتا مسیحی ہونے کے ناطے سے ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور وہ قید میں بھی تھے. And these people were committed to sharing the gospel and living their faith. اور اس کے باوجود لوگ جو تھے وہ اپنے بلاوے پر مسیحی ہونے پر وہ قائم رہے اور خوشخبری بھی سناتے رہے. And I would come back to Australia and people maybe I'll go to church, maybe I won't. اور جب میں آسٹریلیا واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے رویے کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ چرچ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے. And so I felt like nothing much will happen in the West. اور مجھے پتا چلا کہ ویسٹ کے اندر تو کوئی خاص کام نہیں ہو رہا. And I like going to the countries where things are very hard. اور لیکن مجھے ان ملکوں میں جہاں پر مسیحیت پر جو ہے بڑا ظلم و ستم ہے سختی ہے مجھے وہاں پر جانا اچھا لگا. But one day I was in America and I was preaching in a church. اور ایک وقت میں امریکہ میں تھا وہاں میں کلام سنا رہا تھا کلیسیا میں. And when I got up to preach God downloaded a message to me that I was not expecting to preach. اور جب میں وہاں پر تھا تو خدا نے میری روح کے اندر ایک کلام کو بھیجا جس کے لیے میں بالکل تیار نہیں تھا. And the Spirit of God said to me, son, you forgot something very important. اور خدا کے روح نے مجھے کہا بیٹا ایک خاص بات ہے جسے تو نظر انداز کر رہا ہے. You forgot me. اور وہ یہ ہے کہ تو مجھے بھول چکا ہے. You forgot the God factor. اور جو خدا کی حقیقت ہے تو اسے نظر انداز کر رہا ہے. And God started to show me then that he was about to pour out his Spirit on all flesh. اور خدا نے مجھے ایک بات میرے اوپر ظاہر کی کہ خدا اپنے روح میں سے پوری دنیا میں ایمانداروں کو پر اپنی روح ڈھیلنے کو ہے. And that he was going to have a worldwide revival. اور خدا پوری دنیا میں ایک بڑی بیداری لانے کو ہے. He wasn't about to have half his body on fire and the other half shriveled up. اور خدا کے روح نے مجھے دکھایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بدن کا حصہ کلیسی کا ایک حصہ تو روح میں جلے اور ایک جو ہے وہ نیم گرم حالت میں ہو. He was going to have his whole body worldwide on fire with miracles and the power of God. اور خدا نے مجھے دکھایا کہ پورا بدن جو ہے وہ بیداری کے اندر ہوگا اور معجزات ہوں گے خدا کی قدرت ظاہر ہوگی. So that night I came off the platform of that church. اور اس رات جب میں وہاں پر تھا میں پلیٹ فارم پر آیا کلیسیا کے. I was literally in shock. اور میں وہاں پر جب تھا تو مجھے ایک دھچکا سا لگا. Because I had not expected to preach the message that I preached. اور جو کلام میں نے وہاں پر سنایا مجھے توقع نہیں تھی کہ میں وہ کلام وہاں پر شیئر کروں گا. The hard part about that message. اور اس کلام کا جو آدھا حصہ تھا. Is it wasn't for the church that I was preaching to. وہ کلیسیا کے لیے نہیں تھا جو میں کلام سنا رہا تھا. The message was for me. اور وہ سارا کلام جو تھا وہ میرے لیے تھا. Because God had to correct me. کیونکہ خدا کو میری درستگی کرنی تھی. And so that set me on a journey. اور اس بات نے مجھے ایک سفر کے اوپر روانہ کر دیا. Because God started to show me how we could have a great move of God all over the world. اور خدا نے میرے اوپر ظاہر کیا کہ خدا کس طرح ایک بڑی بیداری جو ہے خدا کے روح کا ایک بہاؤ جو ہے پوری دنیا میں آنے والا ہے. And how we could bring in the greatest harvest in our lifetime in the day that we're all alive in. اور ہم اپنی ہی زندگی کے اندر کس طرح روحوں کی ایک بہت بڑی فصل کو لا سکتے ہیں. See, we all know God's not willing that any perish and fall short of the glory of God. یاد رکھے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی بادشاہ سے محروم نہ جائے. But I'm sure we all wonder how can we have such a great harvest all over the world. اور ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح یہ بڑی فصل جو ہے روحوں کی کاٹی جا سکتی ہے. Well, this is the journey that I have been on now for quite a number of years. اور خدا مجھے ایسے ہی سفر کے اوپر رکھا ہوا ہے جہاں پر میں یہ بتا رہا ہوں. And I want to share with you today how God has shown me how we can have a great harvest of souls all over the world and see millions and billions of people
coming to the Lord in our day. और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम सब मिलकर एक रूहों की बड़ी फसल जो है खुदा की बादशाहत में ला सकते हैं, जिसमें लाखों लाख करोड़ों अरबे रूहें खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगी. Yeah, so for the last 10 years God has been continually showing me how we can have this great revival. और पिछले 10 सालों से खुदा का रूह कुदस मुझे सिखा रहा है कि ये बेदारी किस तरह लाई जा सकती है. And this has started to open doors into many nations. और इस तरह से खुदा ने मेरे लिए बहुत से मुल्कों के दरवाजे भी खोले. We've been to China. मैं चाइना में था. We've been to Sri Lanka. और मैं श्रीलंका में था. Been to India. और इंडिया में था मैं. Been to America and Canada. और मैं अमेरिका और कनाडा में भी था. We've been to Pacific Islands. और फिर खुदा मुझे पैसिफिक आइलैंड के अंदर भी लेकर गया. And it's even stirring the churches in Australia. और यहां तक कि खुदा जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चर्चेज हैं वहां भी बहाली का काम कर रहा है. So I believe that God has put a mandate on my life. और मैं यकीन रखता हूं कि खुदा ने मेरे अंदर जो ये चीज डाल दी है. To work together with the body of Christ. और वो ये है कि जो मुख्तलिफ जगहों पर कलीसियाएं हैं उनके साथ मिलकर काम करें. Because we all have our part to play. क्योंकि हम सबको अपना हिस्सा अदा करना है. And we have all have one objective. और हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है. That is to serve the King of Kings and the Lord of Lords. और वो ये है कि बादशाहों के बादशाह की खिदमत करें, खुदावंदों के खुदा की खिदमत करें. And to bring souls into the kingdom. और फिर उसकी बादशाहत में बहुत सी रूहों को लेकर आए. So it's a privilege to be here in at Praise TV. और मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मैं यहाँ प्रेस टीवी पर मौजूद हूँ. To join with them in the great work that they और are जो doing. ये खुदा के खादम बड़ा काम कर रहे हैं उनको के साथ मैं भी शरीक हो सकूं. Thank you very much. Thank you very much. Pastor Jim, this is a great honor for us. You are here with us, and as you spoke about different nations, you was in the different countries. You was China, India, and different countries. And I thanks God. Today you here in Pakistan with us, and this is a great opportunity not only for me. This is a great opportunity for all Pakistani peoples. Amen. 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 Praise Amen. The Lord. खुदाम की तारीफ करते हैं खुदाम के खादम पास्टर जिम न्यूटन के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया से आज हमारे साथ हैं और खुदा के कलाम के बड़े भेद आज वो हमारे साथ शेयर करने को हैं. खुदाम की तारीफ करते हैं इनके लिए भी और खुदाम के खादम पास्टर आजम एंथनी को हम आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं और खुदाम की तारीफ करते हैं कि आज आप खुदा के खादम पास्टर जिम के साथ हैं. आप ट्रांसलेट भी कर रहे हैं और मैं चाहूँगा आप भी अपनी टेस्टिमनी हमें ज़रूर बताइए. थैंक यू पास्टर शहजाद, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अच्छी बात है हमें गाय बगाए अपनी गवाही ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत लोगों का ईमान ताज़ा होता है. और मैं सबसे पहले तो खुदावंद के खादम का शुक्रगुजार हूँ और फिर प्रेस टीवी के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ जिसके वसीले से अंजील का पैगाम दूर दूर तक पहुँच रहा है जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते. सो खुदावंद का शुक्र हो. खुदावंद जब मैं 9-10 साल का था तो मुझे एक क्रिश्चियन स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ और उस स्कूल के अंदर जो ख़ास बात थी वो ये थी कि वहाँ पर मॉर्निंग असेंबली होती थी और मेरा प्रिंसिपल जो था इमानुअल खोखर साहब उनको गाने का बहुत शौक था तो इसलिए मॉर्निंग असेंबली के अंदर गीत गाए जाते और फिर वहाँ पर वो गीतों के बाद एक चैप्टर किसी बच्चे को कहते कि वो आगे आए और एक चैप्टर बाइबल में से पढ़े और इस तरह हम सारी बाइबल भी पढ़ते जाते थे और गीत भी गाते थे. लेकिन हार्डली मेरा ख्याल है 10 से 12 मिनट की मॉर्निंग असेंबली होती थी लेकिन इसका बहुत से उस वक्त जो स्टूडेंट्स थे उन पर बड़ा असर हुआ और उनमें से आज तकरीबन जो है 80% बच्चे जो है उस स्कूल से जो निकले वो मिनिस्ट्री के अंदर चले गए. तो ये एक बाइबल कॉलेज की तरह था और उस माहौल ने मेरे ऊपर भी बड़ा असर किया और उसी माहौल के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और फिर बाद में मैं खुदा का शुक्र करता हूँ पास्टर विल्सन कामरान साहब के लिए और उन्होंने मुझे पॉलिश करने में मेरी बड़ी मदद की और खुदावंद का शुक्र है. और मैं ख़ासकर पेरेंट्स को भी ये नसीहत करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने घरों के अंदर भी अपने बच्चों को वो रूहानी माहौल दें और हम ख़ानदानी इबादत अपने घरों में किया करें तो इससे घर के माहौल में और बच्चों की शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है और आपको उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो दुआ करें या वो चर्च जाया करें या वो अच्छे काम करें.
خدا کا روح القدس جو ہر روز آپ کے گھر میں اترے گا, خدا کی حضوری آئے گی, اس سے نہ صرف آپ کے گھر کی فضا بدل جائے گی بلکہ آپ کے بچے بھی بدل جائیں گے. Amen. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, پرے ٹوگیدر اینڈ اسٹے ٹوگیدر. جب مل کر خاندان دعا کرے گا تو وہ مل کر ہی رہے گا. پریز اللہ. بڑی خوبصورت گواہی اور بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم کی, اور بڑی خوبصورت بات انہیں آخر میں کی ہے, پرے ٹوگیدر اسٹے ٹوگیدر. مل کر دعا کریں گے تو مل کر رہیں گے. خدا کی تعریف, اور جہاں پہ مل کر رہنے کی بات ہے وہاں پر یونٹی کی بات کی جا رہی ہے, اور جہاں پر یونٹی ہے میں خدا کا خادم ہوتے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یونٹی ہے وہاں پر ہمیشہ کامیابی ہے, وہاں پر ہمیشہ فتح ہے. اور فتح والی زندگی گزارنا شروع کریں, دعائیہ زندگی گزارنا شروع کریں. ہمارے پیارے بھائی پاسٹر طارق, ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. خدا مد آپ کو برکت دے. اچھا لگا کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. چاہوں گا ضرور آپ بھی اپنی ٹیسٹیمنی ضرور شیئر کیجیے گا. پریز دا لارڈ. خدا کی تعریف ہو. ونس اگین پاسٹر شہزاد جیسے پاسٹر اعظم نے آپ کا اور پریز ٹی وی کو اپریشیٹ کیا. ریلی میں فرسٹ تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں ساری محنت کے لیے اور اس سارے اچھے نیٹ ورک کے لیے جس کے ذریعے آپ خدا کے کلام کو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. آمین. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تمام دیکھنے اور سننے والے بہنوں بھائیوں, مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. پاسٹر میری گواہی کچھ یوں ہے کہ بچپن ہی سے جیسے جیسے اسکول لائف میں ہم بڑھتے چلے گئے اور خداوند کی خدمت میں خدا کے کام میں, اسکول لائف سے کچھ نہ کچھ اسی طرح مجھے بھی سیکھنے کے اتفاق ہوا. لیکن ایک رات برادر جب میں نے خواب دیکھا, اور خواب کچھ یوں تھا کہ میں چرچ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں, بچپن میں جس چرچ میں میں سنڈے اسکول میں جاتا تھا, اور اسی چرچ کی دیوار کے ساتھ میں نے دیکھا سارا آسمان جو ہے جیسے کینڈل کی طرح پگھل رہے. اور اس سین کے اندر, اس خواب کے اندر میں نے دیکھا جیزس کرائسٹ آئے اور میرے منہ کے اندر انہوں نے کوئی چیز ڈالی. اور تب سے بچپن سے برادر میرے گھر کے اندر ہم تین بہن بھائی جو چھوٹے تھے ہم نے میٹنگ کا آغاز کیا ایسے جیسے شوق سے, لیکن اس کے پیچھے ایک پرپس تھا, خدا کا مقصد تھا. اور وہ فیملی میٹنگ جو ہمارے ایریے کے اندر مختلف سیل میٹنگز ہوتی تھی ان کو دیکھ کر ہم نے بھی ویسا کرنا شروع کیا کہ ہم بھی کبھی اس طرح کا موقع ہو تو ہم بھی بول سکیں. لیکن حقیقت میں وہ ہم تو شوق سے کرتے تھے لیکن اس کے پیچھے خدا بہت بڑا مقصد رکھتا تھا. اور آج مجھے تقریباً 22 سے 23 سال اپنے پاسبان پاسٹر اعظم اینتھنی کے ساتھ کام کرتے ہوئے, جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے پاسٹر میرے استاد بھی ہیں, میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ گرتا اٹھتا, خدا کو ناخوش کرنا, پھر خدمت میں, لیکن چلتے چلتے خداوند اس جگہ پر لے کر آیا کہ اب خدا کی خدمت میں مصروف ہیں اور روحیں بچانے کے لیے ایک تڑپ, ایک جذبہ دل میں رکھے اس کی خدمت کو روح القدس کی رہنمائی میں پاسٹر جی کر رہا ہوں. پریز دا لارڈ. آمین آمین. بڑی خوبصورت ٹیسٹیمنیز پاسٹر جیم. یور پرسنل ٹیسٹیمنی از ریئلی ویری گڈ اینڈ فنٹاسٹک, اینڈ آلسو پاسٹر اعظم اینتھنی آپ کی گواہی بھی بڑی خوبصورت ہے, اور پاسٹر جی آپ کی گواہی بڑی خوبصورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پریز ٹی وی یور میریکل ڈے شو. ہم خدا کے کلام کی باتیں کرنے والے ہیں, اور آج بڑے بید خدا ان اپنے خادموں کے وسیلہ سے کھولنے والا ہے. آپ یقیناً برکت پائیں گے, کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیں اور برکت پاتے رہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. یو آر واچنگ پریز ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس پریز ٹی وی. آمین. Your Miracle Day. ویلکم بیک. خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں. آپ پریس ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ یقیناً برکت پائیں گے. اور آج ہم کلام مقدس میں سے بات کریں گے, اور ہم خدا کے خادموں سے سیکھیں گے افسیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی 11th and 12th آیت کلام مقدس میں سے میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے, بڑی توجہ سے سنیے گا, اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر
اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. آمین آمین آمین. پاسٹر ٹوڈے واٹ یو وانٹ ٹو شیئر دا اسپیشل میسج فار پیپلز آف پاکستان. آمین آمین. ویل واٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ٹوڈے is the journey the Lord has had me on to bring in a great harvest of souls. aur aaj jo main aapke sath bayan karna chahta hu wo ye hai ki jo safar jo khuda ke sath shuru kiya aur khuda ne bataya ki wo ruhon ki ek badi fasal lane ko hai. and in Ephesians 4 chapter 4 verse 11 aur Ephesians 4 bab aur uski 11vi ayat mein jaise bhai ne padha hai, we read about the fivefold ministry gifts. aur yahan par hame panch khidmatein nazar aati hain, the apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher. aur yahan par rasool, nabi, mubashshir, ustad aur churwahe hame nazar aate hain. and typically in the past we aur khas kar baazi ke andar kya soch rahi hai, we have expected these fivefold gifts to do all the work. hamari soch ye thi ki ye jo panch khidmatein hain yahi sara khidmat ka kaam karenge. the pastor is to do all the preaching. aur pasban jo hai unhi ko sara manadi ka kaam karna hai. all the praying. aur unhi ko sab ke liye dua karni hai. the evangelist to have miracles. aur jo mubashshir hai unke wasile se moajzaat honge. and this is a way that we've typically done things in the body of Christ in the past. aur masih ke badan ke andar ab tak hum isi tarike se kaam karte rahe hain. but in some research I've done, only 3% of the body of Christ is in the fivefold ministry. aur maine ab tajurbe karke ye baat seekhi hai tajurbe se ke 3% jo kalisiya ka hissa hai wahi in panch khidmaton ke andar hai. so if we're expecting to see a great harvest come in, these fivefold ministry are not going to reach everybody in the world. aur agar hum ye toko karte hain ki ek bahut badi farooqon ki fasal kaati jaye to phir ecclesia ke andar se ye 3% hissa hi sab tak nahi pahunch sakta. and there are some great ministries doing some great things. aur kuch badi khidmatein bhi hain, ministries bhi hain jo bada kaam kar rahi hain. great tv ministries like praise tv getting into so many parts of the world. aur jisme ab jaise praise tv hai ye bhi bahut badi ministry aur kitna rooh ke liye kaam kar rahe hain. but god has another plan how we can reach so many more people. lekin khuda ka ek aur bada mansooba hai jiske zariye se hum lakhon lakh logo tak pahunch sakte hain. and we see that in verse 12. aur wo ayat hame 12vi Ephesians 4 bab ki 12vi ayat mein hame wo milti hai, where we are told to equip the saints for the work of the ministry. aur jahan par hame sikhaya gaya hai ki muqaddas log kamal bane aur khidmat guzari ka kaam kare. now the fivefold ministry is to be equipping or training the saints to do their ministry. ab ye jo panch khidmatein hain inka kaam hai ki wo muqaddaseen imandaron ko wo sikhaye aur unko is kaam ke liye taiyar kare. and what is the work of the ministry? aur ab khidmat guzari ka kaam hai kya? the work of the ministry is to get people saved. aur khidmat ka kaam ye hai ki ruhon ko bachaya jaye. to pray for the sick. aur bimaron ke liye dua ki jaye. and to disciple people. aur phir unko shagird banaya jaye. and god started to speak to me and say, if we're going to have the greatest harvest this world has ever seen. aur khuda ne mujhse kalam kiya aur khuda ne kaha ki ek bahut badi jo ruhon ki fasal jo hai wo kaati jayegi jo isse pehle kabhi nahi kaati gayi. then we have to train and equip the greatest resource that god has. aur hame uske liye kya karna hai ki khuda ka jo sabse bada zariya hai usko hame istemal karne ki zarurat hai. that's the saints of god that are sitting in church every week. aur wo khuda ka jo bahut bada zariya hai wo muqaddaseen hai jo kalisiya ke andar baithe hue hain. and that we have put a training manual together. aur maine ek course jo hai wo tartib diya hai, because we need to train the believers how to do this. aur hame muqaddaseen ko sikhane ki zarurat hai ki ye sab kuch kaise karna hai. you know, I get to travel to many nations. kyunki main bahut mulkon mein safar karta hu. some nations I go to, you know, they want me to, the believers want me to pray for them and give them the anointing. aur baaz mulkon mein jab main jata hu to wahan par log tawakkul karte hain ki main imandaron par haath rakhu aur unke upar masa aaye. lay hands on us brother and give us the anointing. aur bhaiyon ke upar haath rakhe taki un par masa aa jaye. but I tell them I cannot give you the anointing. aur phir main unko batata hu, bhai main aapko masa nahi de sakta, because you are already anointed. uski wajah ye hai ki aap to pehle se hi masa shuda hai. we want to tell Christians that
You are already anointed. और हमें मसीहों को ईमानदारों को बताने की जरूरत है कि आप पहले से मसीहशुदा हैं. Because many Christians think, well, you have to have a special gift to lay hands on people. और बाज़कात मुकद्दसीन सोचते हैं कि बीमारों के लिए दुआ करने के लिए खास नेमत की जरूरत है. Only special people with a calling can do this. और वो समझते हैं कि कुछ खास लोग हैं जिनके ऊपर ये बुलावा होता है, ये मसा होता है, वही ये कर सकते हैं. But over in Mark chapter 16. लेकिन अगर मरकस की अंजील उसके बाप को देखें, Jesus said, "Those who believe in my name." और खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा, जो मुझ पर ईमान लाते हैं. And when I'm doing a meeting, I like to ask people, how many people believe in the name of Jesus? और जब मैं मीटिंग्स में होता हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मसीह पर ईमान रखते हैं? And because everyone puts their hands up. और फिर हर एक हाथ उठाता है, जी हम ईमान रखते हैं. I said, well, Jesus said, if you believe in His name. और खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा कि अगर आप मुझ पर ईमान लाते हो, one of the things you would do would lay hands on the sick. और वहाँ पर उसने बताया कि तुम क्या करोगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे and the sick would recover. और बीमार शिफा पाएंगे. So we are telling believers that you have the same authority and the same power. और मैं ईमानदारों को बताता हूँ कि आपके पास वही मसा है, वही इख्तियार आपके पास है. As any man or any woman of God that you see doing miracles. और आप किसी भी बड़े खादम को या किसी बहन को मुबशरा को इस तरह मौजजात करते देखते हैं, जो उन पर मसा है, वही आप पर है. Sadly, Christians are always looking for someone to give them a special anointing or a special blessing. और अफसोस की बात यह है कि आज भी ईमानदार इस चीज के इंतजार में रहते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी आए जो आकर हमें हमारे ऊपर हाथ रख कर दुआ करे. But I like to tell the story about Jesus. और मैं अक्सर उन्हें यीशु मसीह के बारे में कहानियां बताता हूं. One day he said to the disciples, "It'll be better for you when I leave." और उसने एक दिन अपने शागिर्दों से कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर होगा. Now the disciples would have been in shock. और मेरा ख्याल है कि शागिर्दों को बड़ा धचका लगा होगा. Jesus, what do you mean it'll be better when you leave? उन्होंने कहा होगा, यीशु मसीह से तेरा क्या मतलब है, तेरा जाना हमारे लिए बेहतर होगा. Jesus, you carry the anointing. और उन्होंने कहा, यीशु तेरे ऊपर तो बड़ा मसा है. Jesus, blind eyes are open. और यीशु देख किस तरह अंधी आंखें खुल रही हैं. The deaf hear. और जो बहरे हैं वो सुन रहे हैं. Cripples walk. और जो लंगड़े हैं वो चल रहे हैं. The dead are raised. और जो मुर्दे हैं वो जिंदा किए जा रहे हैं. Jesus, what do you mean it'll be better when you leave? और यीशु से क्या तेरा मतलब है कि तेरा जाना हमारे लिए बेहतर होगा? Jesus told us why it would be better. लेकिन यीशु ने उनको बताया कि उसका जाना उनके लिए कैसे बेहतर होगा. He said, when I leave. उसने कहा, जब मैं चला जाऊंगा, I'm going to put the same anointing, the same Holy Spirit that's in me. और उसने कहा, जो मसा मेरे ऊपर है, जो रूल कुदस मेरे ऊपर है, वही तुम्हारे अंदर आ जाएगा. I'm going to put that in every believer. और वही मसा जो है रूह हर ईमानदार के ऊपर आएगा. Every believer is anointed. और हर ईमानदार जो है उसके ऊपर मसा है. Amen. Pastor Jim. Yes, sir. I have one question. As you are teaching and you are a wonderful teacher, I feel in my spirit you are a wonderful teacher. And you already speaking about apostles, teachers, evangelists, and pastors. So in Pakistan, not only in Pakistan, all over the Asia, lots of peoples have a different calls. Yes. Some are pastors, some are evangelists, some are pastors, some are prophets. But I just want to ask you, can you explain to all the pastors, leaders, and evangelists, some people have a call as evangelist. Yes. But he want to do the ministry as a prophet. Some peoples are teachers. They are called for teaching, but they want to do the ministry as a evangelist. Can you explain that? Because most, if we have, we God call us as evangelist, so must we follow our call? We carry our call. Must we do the ministry what God give us? If we are evangelist, must we do according to our call, according to our ministry? What you want to share? What you want to explain about that? Yeah, look, I think if you've got a call to be an evangelist, और देखे मेरी सोच ये है कि अगर खुदा ने आपको मुबशर होने के लिए बुलाया है, then you need to pursue that and to follow that with God's help. और फिर आपको खुदा की मदद से अपने उसी बुलावे के अंदर रहना चाहिए. And one of the things we must not do is covet somebody else's gift. और अगर एक काम जो हमें नहीं करना चाहिए कि जो किसी और की नेमत है, हमें उसकी नेमत की तरह नहीं कॉपी करके चलना चाहिए. So I might be a pastor. और अगर मैं पास्टर हूँ, you might be an evangelist. और हो सकता है कि आप मुबशर हो. I cannot look at you and say I want to be like you. और मैं आपको देखकर कहूं कि जैसे आप हैं मैं भी वैसे ही काम करूं. I have to
do what God's called me to do. और मुझे सिर्फ वही करना चाहिए जो खुदा ने मुझे कहने करने के लिए कहा है. And I believe as you follow faithfully what God's called you to do. और मैं ईमान रखता हूँ कि जो कुछ खुदा ने आपको करने के लिए कहा अगर वफादारी से आप करेंगे. He will add a greater anointing to that calling. और खुदा आपकी जिंदगी के अंदर मसा को बढ़ाता जाएगा उस काम को करने के लिए. I have learned over 35 years of being in ministry. और तकरीबन मुझे चुके 35 साल इस खिदमत में हो गए और मैंने सीखा है. I'm still learning to flow with my calling. और मैं अभी तक इन 35 सालों में अपनी खिदमत के उस मसा में बह रहा हूं. And as I continue to do that, और मैं इसको मतवातर इसी तरह करना चाहता हूं. God is expanding it. और खुदा मेरी इस खिदमत को बढ़ा रहा है. One of the proofs of that is I'm here in Pakistan. और देखिए उसका एक बड़ा सबूत ये भी है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हूं. I was not looking to come to Pakistan, but here I am. और मैं नहीं सोचता था कि मैं पाकिस्तान आ सकूंगा, लेकिन देखिए मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं. Yeah. So we have to honor the gift that is in us. और जो खुदा ने खिदमत हमारे अंदर रखी हमें उसकी रिस्पेक्ट इज्जत करनी चाहिए. And then honor the gift that's in others. और फिर जो दूसरों के अंदर खुदा ने नेमत रखी है खिदमत रखी है उसकी भी इज्जत करनी चाहिए. And not to think more highly of ourselves than we ought. और हमें सिर्फ अपने ही ताल्लुक से नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत मुकद्दस हूँ पाक हूँ. Amen. 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 Thank you very much for your wonderful teaching and we will continue. जी पास्टर तारिक हम आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. आप क्या कहना चाहेंगे इफिसियों चौथा बाब उसकी 11वीं 12वीं आयत के तल्लक से जिसमें लिखा गया है कि मसीह का बदन तरक्की करे. क्या कहना चाहेंगे आप ताकि ये खिदमत जारी रहे मसीह का बदन तरक्की करे. जी पास्टर जी अभी मेरे जहन में एक वाक्य आ रहा था जैसे यहाँ पर लिखा है 11वीं आयत में और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया. अब एक स्टोरी मेरे अंदर जो चल रही थी जो मेरे जेन में रूल कुदस ने भी डाली है सामरी औरत की और जीसस क्राइस्ट की. अब सामरी औरत ये कहती है कि जब वो सामरी गांव में गई तो उसने लोगों से कहा कि मुझे वो नबी मालूम होता है कि जैसे वो नबी है और चूँकि ये खुदा की तरफ से ये नेमते हैं और जीसस क्राइस्ट ने उससे बातचीत की और एक शख्सियत को जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने तैयार कर दिया और जब वो एक लीडरशिप के अंदर आई उसने अपनी गवाही दी कि मैं तो बुरे काम करती थी लेकिन उसने सब कुछ मुझ पर जाहिर कर दिया है. क्या मुमकिन है कि नबी यही है और जब लोग उसके पास आए तो ये ऐसे ही है जैसे खिदमत गुजारी का काम जो है वो किया गया है और यीशु बतौर नबी उस खातून की ज़िंदगी के अंदर जब नज़र आए तो उसने सारे गाँव को बदल दिया. तो ज़रूर है कि हम भी जो खिदमत जैसे आपने पास्टर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हम अपनी बुलाहट को पहले नंबर पर समझें. क्या मुबशर हैं या उस्ताद हैं हम क्या हैं. हम ज़रूरी नहीं कि अगर हम एक शख्स नबूवत करता है तो दूसरा शख्स भी ये करके मैंने भी उसी तरह नबूवत करनी है मैंने भी वैसा ही बनना है मैंने भी पास्टर शहजाद ही बनना है. हमने उस खिदमत को देखना है कि खुदावंद ने मुझे क्या खिदमत दी है और जब हम उस खिदमत को समझ लेंगे तो हम यीशु मसीह की तरह जिस तरह खुदा करो इस्तेमाल करना चाहेगा हम उस सामरी औरत की तरह बतेरों को बदलने का वसीला बनेंगे और वो आगे खिदमत के काम को जारी करके बतेरों को वो बचाती है और इसी तरह लोग खिदमत के काम को करते चले जाएंगे. वंडरफुल वंडरफुल. जी पास्टर आजम आप क्या कहना चाहेंगे. मैं थैंक यू पादी साहब आपने मुझे मौका दिया और ज़रूर है कि कलीसिया तरक्की करे. आमीन. कलीसिया किसी गांव के अंदर है या किसी शहर के अंदर है थोड़ी तादाद में है या बड़ी तादाद में है लेकिन वो मसीह का बदन है और ज़रूर है कि मसीह का बदन तरक्की करे. और जैसे हमने देखा 11वीं आयत के अंदर ये जो 5 खिदमतें हैं इनको मुकर्रर कलीसिया के अंदर किया गया है अगरचे कि मुबशर बाहर भी काम करता है लेकिन बाइबल में लिखा है कि इनको कलीसिया को दिया है. क्यों दिया है ताकि इन 5 खिदमतों के ज़रिए से जो मुकद्दसीन कलीसिया के अंदर है वो तरक्की करें. Amen. वो अपनी खिदमत को पहचाने और ईमानदार होना ये भी खिदमत है और खिदमत ये है कि हम अपनी गवाही को दूसरों के साथ शेयर करें जिससे जिंदगियां तब्दील होती हैं. और अगर हमें से हर एक जैसे अभी भाई बता रहे थे कि कलीसिया में सिर्फ 3% का जो हिस्सा है वो 5 खिदमतों के अंदर है तो बाकी इसका मतलब है 97% जो है
وہ کلیسیا کے اندر لوگ خاموش بیٹھے ہیں. اگر ہم سارے ہی کھڑے ہو جائیں, ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں. ابتدا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے, دیکھیں سٹیفنس کو دیکھیں, ہاں سٹیفنس تو وہ نہیں تھا, وہ پادری نہیں تھا, وہ مبشر نہیں تھا, وہ تو اس کا کام تو وہ شیف تھا کلیسیا کے اندر, لیکن اس کے وسیلے سے بھی خدا معجزات کر رہا تھا, اس کے وسیلے سے بھی انجیل کا کام ہو رہا تھا. تو آپ جو سن رہے ہیں, میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنی ٹیسٹمنی خدا نے آپ کی زندگی میں کیسے کام کیا, کس طرح آپ بچے, اپنے پڑوس میں بتائیں, اپنی بہنوں کو بتائیں, اپنے ریلیٹیوز کو بتائیں, دوستوں کو بتائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ماحول کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. ضرور ہے کہ ہم اپنا منہ کھولیں, خاموش نہ رہیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے چراغ جلا کر چراغ دان پر رکھا جاتا ہے تاکہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچے. تو ہمیں یسوع نے کہا تم دنیا کا نور ہو, ان پانچ خدمتوں کو نہیں, ہم سب کو, جس میں ہم سارے شامل ہیں ایماندار. ہم پہلے ایماندار ہیں, بعد میں خدا ہمارے اندر یہ نعمتیں رکھتا ہے. تو ہمیں چراغدان پر رہنا ہے, روشنی کو دینا ہے. بہت لوگ اندھیرے میں ہیں, آپ روشن ہو چکے ہیں, بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کریں. اور بائبل میں لکھا ہے مخلوقات کمال درد زہ میں پڑی تڑپ رہی ہیں اور خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہیں. Praise the Lord. Pastor Jim, Pastor Azam Anthony talking about the early church. We are the part of the body. So can you explain a little bit about it? About body of Christ. The body of Christ? Yes. Yeah, look, the body of Christ is... has many different parts. اور اب دیکھیں جو مسیح کا بدن ہے اس کے مختلف حصے ہیں. And God has a purpose and plan for each part of the body of Christ. اور خدا کا ہر حصے کے لیے ایک منصوبہ ہے. And whether you be in the fivefold ministry, اور اگرچہ آپ پانچ خدمتوں میں سے ہیں, or whether you be in the category known as the saints of God, اور یا آپ کا حصہ جو ہے آپ ایمانداروں میں شامل ہوتے ہیں. And the one thing that we must do is that we must be faithful in the area where we're being called. Aur ek kaam jo hame karna chahiye wo ye hai ke jo bhi hamara hissa hame usi mein wafadar rehna chahiye. You know, in Ephesians chapter 4 we have this phrase, there are six ministries mentioned there. Aur ab Ephesians ke khat ke andar jo hame panch khidmatein jo hain wohi nazar nahi aati balki چھ خدمتیں نظر آتی ہیں. So we know about the first five, اور ہم پہلی پانچ خدمتوں کو تو جانتے ہیں. But the sixth one is the saints of God doing the work of the ministry. اور جو چھٹی خدمت ہے جو ہمیں افسیوں میں نظر آتی ہے وہ مقدسین کی ہے, ایمانداروں کی ہے. And we need every part of the body of Christ doing their part. اور ہمیں مسیح کے بدن کے ہر حصے کو جو مسیح کے بدن کا حصہ ہے اسے کام کرنا چاہیے. Everybody has a responsibility. اور ہر حصے کی ایک ذمہ داری ہے. And everybody has a part to play. اور ہر حصے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. And just as God has placed his spirit and anointing on me for my ministry. اور جس طرح خدا نے میری خدمت کے میں اپنا مسا میرے اوپر بھیجا ہے. And he's put his spirit in you and anointed you for your ministry. اور خدا نے آپ کی خدمت کے لیے خدا نے وہ مسا آپ کے اوپر بھیجا ہے. So he has done this to every member of the body of Christ. اور اسی طرح خدا نے کلیسیا کے ہر حصے کے لیے اپنا مسا اس پر بھیجا ہے. And just as the apostle Paul said to Timothy, اور جیسے پالوس تیموتیوس کو بیان کرتا ہے, stir up the gifts that are within you, اور جو خدمت تجھے ملی ہے اس کو چمکا دے. And what we want to encourage the body of Christ today, اور آج ہم مسیح کا جو بدن ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, stir up the anointing that is within you, اور جو خدا نے آپ کو مسا دیا اس کو چمکا دیں, اس کو بڑھائیں. And fulfill the call of God that's on you, اور جو خدا نے خدمت کے لیے آپ کو بلایا ہے اسے پورا کریں. If you're a believer, اگر آپ ایماندار ہیں, go get people saved, تو آپ کی ذمہ داری آپ لوگوں کو بچائیں. As a believer, lay hands on the sick, اور ایماندار ہونے کے ناطے سے بیماروں پر ہاتھ رکھیں. Expect miracles, اور توقع کریں کہ خدا معجزات کرے گا, and healings, اور خدا شفا کو لے کر آئے گا. And disciple people so they will grow in the things of God, اور آپ لوگوں کو شاگرد بنائیں تاکہ وہ مسیح میں ترقی کریں. The body of Christ is such a powerful organism. اور یاد رکھیں کہ جو مسیح کا بدن ہے وہ طاقتور حصہ ہے. That God has placed on the earth to do a mighty work. اور جسے خدا نے زمین کے اوپر رکھا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے کام کرے. And God is waking up the body of Christ all over the world. اور یاد رکھے پوری دنیا میں خدا کلیسیا کے انتظار میں ہے کہ وہ اپنے کام کو کرے. Praise the Lord. Praise the Lord. بڑی خوبصورت باتیں خدا کے کلام مقدس میں سے
हमने सुनी है और मैं ही मानता हूँ कि आपने यकीनन बरकत पाई है और आज हमने फुली अंडरस्टैंड भी किया है और मैं मानता हूँ कि आपने भी इस बात को सीखा है कि हमने अपना रोल किस तरह से अदा करना है। आप चर्च के अंदर हैं, आप खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं या फिर आप उसको कर सकते हैं। अगर आप चर्च के अंदर हैं और आप अपना रोल अदा नहीं करते, खिदमत गुजारी का काम नहीं करते, तो फिर ऐसी है कि जिस तरह के जिस्म का एक अज़ा जो है वो अपाहज हो चुका है, तो आप उस अज़ा की मानद अपाहज होकर बैठे हुए हैं। हमें बैठना नहीं है, बल्कि हमारा जिस्म तब भी कंप्लीट होगा अगर हमारे जिस्म के सारे अज़ा जो हैं ये मुकम्मल तौर पर मुतहरक होंगे, एक्टिव होंगे, तो हमारा जिस्म जो है ये कंप्लीट बॉडी कहलाएगा। तो इसलिए हमें अपनी खिदमत को पहचानना है, खुदा ने हमें किस लिए बुलाया है। अगर आप दुआ करने वाले हैं तो घंटों घंटे दुआ करें, अगर प्रस्तुति करने वाले हैं तो चर्च में भरकर हिस्सा लें और प्रस्तुति करें। अगर खुदावंद ने आपको आपके पास्टर का मावन ठहराया है, आपको मददगार ठहराया है, तो अपनी खिदमत को कभी स्टॉप ना कीजिए, इसको जारी रखें। अब वक्त है कि हम सब मिलकर आप लोगों के लिए दुआ करें। हालेलुया, खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस सारे वक्त के लिए, इस टाइम के लिए खुदा, तेरे लोगों के लिए, तेरे खादमों के लिए खुदावंद, जिनके वसीला से तूने आज सारे कलाम की बातों को खुदावंद अपने लोगों तक पहुंचाया है। हम मिलकर सारा जलाल सारी ऑनर तुझे देते हैं खुदावंद। अगर कोई इस प्रोग्राम को देख रहा है, कोई मुश्किल के अंदर है, कोई परेशानी के अंदर है, कोई दुख के अंदर है खुदा, तो ये यीशु के नाम से तेरे लोगों की परेशानियां जाए, तेरे लोगों के दुख जाए खुदा, और खुदा तेरा नाम तेरे लोगों की जिंदगियों में जलाल पाए। हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, खुदा पाकिस्तान की सलामती हो, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, तमाम सिक्योरिटी इदारों की सलामती चाहते हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की सलामती चाहते हैं खुदावंद। इसी तरह खुदावंद तेरे बंदा खुदावंद पास्टर जिम के लिए, इनकी खिदमत के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, इनके लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ खुदावंद। पास्टर आजम एंथनी साहब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, इसी तरह खुदावंद खुदा पास्टर तारक के लिए ब्लेसिंग और बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद। तेरा आसमां तेरे लोगों के लिए खुला रहे और मसीह का नाम हमारी जिंदगियों से इसी तरह जलाल पाता रहे और हम तेरी बादशाही के लिए इसी तरह काम करते रहें मसीह खुदावंद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर जिम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड फॉर योर वंडरफुल विजिट, एंड आई रियली ब्लेस्ड बाय योर टीचिंग। आई रियली ब्लेस्ड एंड नॉट ओनली मी, आई बिलीव एवरी पर्सन ब्लेस्ड, एंड आई होप आई विल हेयर देम एंड when they will give the testimonies, they will share us, because every day we received thousands of calls from peoples, and I believe many will share with me by your teaching. Pastor Azam, thank you very much. आपके भी हम शुक्रगुजार हैं, Pastor Tarak साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं, खुदा आपको बरकत दे, God bless you, thank you very much. Thank you too, very sir. much. God bless you. आप देख रहे हैं Praise TV, आप देख रहे हैं योर मेडिकल डे शो, खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेस टीवी, आमीन, आमीन। योर मिरेकल डे।